भिलाई इस्पात संयंत्र एवं जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र सेक्टर 9 के संयुक्त प्रयासों से भिलाई में अंगदान महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसके तहत पूरे भिलाई में अंगदान के प्रति लोगों को विभिन्न तरीके से जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत सिविक सेंटर भिलाई के नेहरू आर्ट गैलरी में स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई चित्रकला की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इंसान का शरीर नश्वर होता है और इंसान की मृत्यु के बाद इस शरीर को नष्ट कर देने की परंपरा है, परंतु मेडिकल साइंस यह कहता है कि आप मृत्यु के उपरांत भी जीवित रह सकते हैं, क्योंकि इंसान के शरीर में कुछ अंग ऐसे भी होते हैं जो मृत्यु के बाद कई घंटों तक जीवित रहते हैं। उसमें से आँखें, लीवर, किडनी और आपका दिल भी शामिल है। और अगर हम अपने इस शरीर के इन अंगों को मृत्यु के उपरांत जरूरतमंदों को दान कर देते हैं तो हम मृत्यु के बाद भी दूसरे के शरीर में जीवित रह सकते हैं और अमर हो सकते हैं। इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र सेक्टर 9 भिलाई के द्वारा संयुक्त प्रयास किया जा रहा है और अंगदान महोत्सव का पखवाड़ा 31 जुलाई से 13 अगस्त तक मनाया जा रहा है। इसके तहत प्रतिदिन विभिन्न आयोजन भी किए जा रहे हैं और इन्हीं आयोजनों के जरिए लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में भिलाई के स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों द्वारा अंगदान विषय पर चित्रकला भी बनाई गई है, जिसकी प्रदर्शनी सिविक सेंटर स्थित नेहरू आर्ट गैलरी में लगाई गई है और इसे देखने के लिए प्रतिदिन काफी भीड़ उमड़ रही है। शुक्रवार को यह प्रदर्शनी देखने दुर्ग के कमिश्नर के साथ छत्तीसगढ़ अंचल के ख्याति प्राप्त कलाकारों एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे और उन्होंने इस संयुक्त प्रयास को दिल से सराहा और कहा यह एकमात्र उपाय है जिससे आप मरणोपरांत भी जीवित रह सकते हैं। हम 30 जुलाई से 13 अगस्त तक ये जो पखवाड़ा हम मना रहे हैं, इससे जन जागृति होगी। जनमानस में जिस तरह रक्तदान के प्रति अभी कोई संकोच नहीं है, रक्तदान कोई भी कर सकता है, इसी तरीके से अंगदान के प्रति भी धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आएगी और हम सब लोगों का यही संकल्प है, यही प्रयास है कि लोगों में जागरूकता आए और लोग अंगदान के प्रति भी समर्पित भाव से कार्य करें। सर, आप देखिए, समाज में एक भ्रांति है कि आप जीते जी या मरणोपरांत आप जिस अंग का दान कर देते हैं अगले जन्म में उस अंग के बगैर ऊपर वाला आपको जमीन पर भेजता है। ये सारी भ्रांतियां अब निर्मूल साबित हो रही हैं। हम लोगों ने आज मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हर जगह गिरजाघर, हर जगह जाकर के उनके जो धर्म गुरु हैं उनसे भी चर्चा की है, वह भी इस बात से सहमत है। देखिए, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, ये जो टैगलाइन आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, ये एलआईसी पॉलिसी के साथ अपन सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह लाइन जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, यह अंगदान के प्रति भी उतना ही प्रासंगिक है यह सेंटेंस जितना एलआईसी पॉलिसी के साथ आप सुनते हैं। जीवित रहते आप यदि अंगदान करते हैं तो आपके मरणोपरांत भी आप जीवित रह सकते हैं। आपकी आंखों से दूसरा व्यक्ति देखेगा, यह एक सुखद अनुभव है। तो इसीलिए अंगदान के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना ज़रूरी है। लोगों में जागृति आएगी और हम इंश्योर करते हैं कि हम जरूर सफल होंगे, हम होंगे कामयाब, लोगों में जागृति फैलेगी। भिलाई इस्पात संयंत्र अपने स्थापना काल से लेकर आज पर्यंत न केवल निष्पादन के क्षेत्र में बल्कि समाज से जुड़े हुए समस्त क्षेत्रों में अपनी नई और अभिनव पहल के लिए जाना जाता है। अंगदान और विशेष करके स्किन बैंक की यदि हम बात करें, जो कि अंगदान के बाद अगला चरण होता है, उस क्षेत्र में भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में पहला है। निश्चित रूप से समाज के लिए यदि कोई व्यक्ति अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से कुछ अगर कर सके तो वो बहुत ही वंदनीय बात होती है। इस संसार से जाने के बाद शरीर, जो कि पार्थिव शरीर हो जाता है, उसकी कोई अन्य उपयोगिता नहीं रह जाती, लेकिन उस पार्थिव शरीर में से भी यदि कुछ भाग किसी ऐसे व्यक्ति के काम आ सके जिसको कि नया जीवन मिल सके या जीवन जीने के लिए कुछ बेहतरी आ सके, सहूलियत हो सके, तो ऐसा करने में किसी को भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। अंगदान, ऊतक दान इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कार्य है जो कि निश्चित रूप से अत्यंत ही स्तुत्य है, वंदनीय है, और ऐसी पहल के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र ने अपनी ओर से ये विशेष प्रयास किया है और लोगों के बीच में जागरूकता लाने के लिए इस विशेष
आयोजन की शुरुआत की है, इसके लिए जितनी भी प्रशंसा विला इस्पात संयंत्र की जाए कम है। समाज सेवा के क्षेत्र में और मानव कल्याण के क्षेत्र में ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। देखिए, अंगदान महादान है, इससे बड़ा और कोई दान नहीं हो सकता। लोग जो है अपने शरीर का कोई भी अंग, चाहे वो स्किन हो, चाहे आपके जो आँख हो, आपका हार्ट हो, आपका लीवर हो, किडनी हो, विभिन्न प्रकार के अंग जो है डोनेट कर सकते हैं, लोगों को जीवन दान दे सकते हैं। आप जो है अपने मृत्यु के बाद भी जो है लोग याद रखें, इसके लिए जो है आप अपना अंगदान अवश्य करें। जी सर, आप अपना अंगदान करके मृत्यु के बाद भी जीवित रह सकते हैं। सर, इस पहल की सराहना करेंगे? बिल्कुल, मैं इस पहल के पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं और जो यहां पर ऑर्गेनाइजर्स हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो सर, आम जनता को कुछ ऑर्गन डोनेशन को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग जो है यहाँ के एग्जीबिशन देखें, यहाँ पर बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे जो है पोस्टर्स बनाए हैं, लोगों के लिए एक संदेश है और लोग जो है अपने अंगदान की ओर प्रेरित हो, मैं इसी के लोगों से जो है कामना करता हूँ। यह एक श्रेष्ठ परंपरा का आगाज़ है जो भिलाई इस्पात संयंत्र के एडवांस बर्न केयर डिपार्टमेंट JLN हॉस्पिटल ने शुरुआत की है। सबसे खूबसूरत पहल जीते जी रक्तदान और मृत्यु के पश्चात अंगदान। प्रत्येक स्टूडेंट आतुर रहता है ह्यूमन ब्रेन की स्टडी के लिए। अंगदान ही एक ऐसा साधन है जिससे हम मृत्यु पश्चात भी जीवित रहते हैं, दूसरों की नज़र से दुनिया देखते हैं और दूसरों के लिए अपनी जो परंपरा है आदि अनादि काल से, जो हम ऋषि दधीची के जो वंशज हैं, हम वो अपने जेनेटिक्स में शामिल करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना, ये अपने आप में गर्व का विषय है। JLN अस्पताल को, बर्न केयर विभाग को धन्यवाद, आप सबको जो इतने खूबसूरत पहल को प्रमोट कर रहे हैं, शुक्रिया। आम जनता के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, इस प्रदर्शनी में आए, चीज़ों को समझें और जो अंगदान जैसा एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में एक टैबू लोगों के मन में बना हुआ है, उसे दूर करें और खुलकर समर्थन करें, मृत्यु पश्चात भी जीवित रहें, अमर रहें। शुक्रिया। पहली बात यह है कि अंगदान जो है वो एक श्रेष्ठ विचार और उच्च स्तरीय जीवन की तरफ समर्पित होना और मानवता की एक प्रतीक है और इस उच्च स्तरीय सोच का उपज भी है। तो अंगदान इसलिए महादान कहा जाता है। हमारे देश में बहुत सारे पेशेंट्स, यानी 2 लाख पेशेंट्स किसी न किसी ऑर्गन की परफॉर्मेंस कम होने के कारण वो बहुत अपने पीड़ित रहते हैं, चाहे वो किडनी हो, हार्ट हो, लंग हो कभी कभी, और इस तरह से कोई ना कोई अंग के परफॉर्मेंस नहीं होने के कारण वो अपने जीवन आपी सीधे अच्छे तरीके से नहीं निभा सकते। इसी तरह जब किसी पेशेंट बर्न पेशेंट, उसके त्वचा पूरे जल गया होता है, जिसका 60% अधिक त्वचा जल जाता है, उनके यहाँ उनके पास त्वचा को उनके हीलिंग होने के लिए त्वचा बचता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में ये अंगदान महोत्सव हम मना रहे हैं कि लोगों के बीच ये मैसेज जाए कि अंगदान करना चाहिए, अंगदान करने के लिए हम आगे आएँ और खासकर त्वचा और नेत्रदान, ये 2 दान ऐसा है जो हम बिना कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस उसको कर सकते हैं। दूसरे अंगदान जीवित रहते ही, जैसा किडनी हो या लिवर हो, हम अंगदान कर सकते हैं। कुछ अंगदान हम मरणोपरांत कर सकते हैं और इसके लिए फैमिली मेंबर्स और दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच इसकी ज्ञात होनी चाहिए। ये सब सोचते हुए भारत सरकार ने 3 अगस्त से 5 अगस्त के बीच
ये अंगदान दिवस मनाने के लिए उन्होंने निर्देश दिया था और सेक्टर 9 हॉस्पिटल उसके समर्पित होते हुए 31 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक यानी एक पखवाड़ा हम मना रहे हैं, जहां पर लोगों के बीच अनेक कार्यक्रम के द्वारा, चाहे वो नाटिका के रूप में हो, संगोष्ठी के रूप में हो, या इस तरह से हम प्रदर्शनी जहां पर बच्चों और स्कूल के कॉलेज विद्यार्थियों से जो पोस्टर्स बना के उसके प्रदर्शन हो, और अनेक जगह घूम के भी जैसा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और गिरजाघर जाके वहाँ पर ये प्रचार कर रहे हैं और गणमान्य व्यक्तियों से इसके बारे में बाइट दे के भी, तो इस तरह से प्रोत्साहित करते हुए हम इस महोत्सव को मना रहे हैं और एक राष्ट्र के प्रति हमारा एक सेवा भी है। अंगदान को लेकर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत हर जाति धर्म के लोगों से भी राय ली जा रही है, जिसमें सभी जाति धर्म के लोग भी इस पहल को अनुकरणीय बताते हुए समाज के लिए एक बेहतर उपाय बता रहे हैं, जिससे जरूरतमंदों को अंग मिल जाएगा और अंगदान करने वाला व्यक्ति भी अमर हो जाएगा। मैं हूँ फादर जॉन सेवियर, पल्ली पुरोहित, कैथोलिक चर्च, सेक्टर 6, भिलाई। अभी जो कार्यक्रम अंगदान का कार्यक्रम होने वाला है, हो रहा है, और इस पर हमारे समर्थन है, विशेष रूप से कैथोलिक चर्च की ओर से हमारे संत पापा ने भी इसका समर्थन किए हैं, समर्थन सदा करते हैं। और ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, जो शरीर हमें ईश्वर ने दिया है ये दूसरों के लिए उपयोग में लाने के लिए है, दूसरों की सेवा के लिए। और ये जो अंगदान एक एक्ट ऑफ चैरिटी है, एक एक्ट ऑफ लव है, ईश्वर जो स्नेह हमें प्रदान किए हैं और उसको बांटने का एक तरीका है, शरीर के द्वारा भी हम करते हैं। और जब भी हम ये सेवा करते हैं, हमारे कैथोलिक चर्च इसका सपोर्ट करते हैं और बहुत फादर लोग, सिस्टरगण और हमारे कैथोलिक लोग, बहुत सारे लोग इसका डोनेट किए हैं कई प्रकार, कई जगह में, और इसका हम समर्थन करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैं हाजी एम एस सिद्दीकी इस शहर का एक आर्किटेक्ट हूँ, साथ ही भिलाई नगर जामा मस्जिद ट्रस्ट से भी जुड़ा हूँ और भी कई संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये इस्लाम में सबसे पहला जो फर्ज है वो है ये अपनी जान की बाजी लगाकर भी दूसरे की जान को बचाना। लेकिन आजकल मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमें अपनी जान की बाजी नहीं लगानी पड़ती, बल्कि मेडिकल साइंस ने जो तरक्की की है उसके तहत हम अपने जिस्म के कुछ अंगों को दूसरों को देते हैं, दान करते हैं, जिससे उनकी जान बचती है। मसलन लोग अपना खून, आंखें, किडनी, ये सब एक दूसरे को देते हैं बतौर जान बचाने के लिए, बतौर हेल्प। और इस तरह से मैं चाहूँगा कि 3 तारीख जो है अंगदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें मैं अपने भाइयों से, अपने लोगों से ये अपील करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंगदान करें और लोगों की जान को बचाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को जय श्री राम। आज राष्ट्रीय अंगदान दिवस के मौके पर हम आप जहाँ तक आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ जा रही है, सबको आह्वान करना चाहेंगे कि हम सभी को अगर अपनी मृत्यु के पश्चात भी अगर इस जहाँ को देखना है या अपने अंगों को यूज में लाना है, हमारा एक शरीर 8 लोगों के काम में आ सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंगों को दान करके अपनी मृत्यु के पश्चात भी इस जहाँ में जो भी चीज़ें हैं उनको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसीलिए हम चाहेंगे कि जैसा कि महर्षि दधीचि ने अपने अंगों को दान करके महापुण्य की प्राप्ति की थी, उस तरह हम भी अपने अंगों का दान करके
इस अंगदान के मौके पर सिर्फ यही कहना चाहेंगे, बढ़ चढ़ के हम लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। मेरा नाम दिवाकर तिवारी, सेक्टर 9 हनुमान मंदिर के पुजारी हैं। सनातन धर्म में दधीची ऋषि ने अपने हड्डियों का दान एक धनुष बनाने के लिए किया था, जिस धनुष से एक दैत्य को नष्ट किया गया था। दधीची ऋषि द्वारा यह कार्य समाज हित में किया गया था और आज फिर जरूरत है कि हम अपने अंगों का दान मरणोपरांत या जीवित रहकर भी कर सकते हैं और किसी का जीवन बचा सकते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।